शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कैसा लगा माँ? बहुत अच्छा। देखना एक दिन तू बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। वो तो मैं बनूंगा ही। लेकिन माँ, मैं एक बार पापा को मना लूं कि उंदर कुमार जी से संगीत की शिक्षा दिलवाने की बात कर ले। मैं जब भी पापा से बात करता हूँ वो मुझे डांट देते हैं। पापा मेरे सुनते ही नहीं है माँ। बेटा, पापा तुम्हारी क्या, वो किसी की भी नहीं सुनते। उन्हें ये गाना बजाना सब बेकार लगता है। इसका मतलब मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा माँ। देख, तू उदास मत हो। तेरी खातिर आज मैं फिर से तेरे पापा से बात करूं, ठीक है? थैंक यू माँ। मेरी प्यारी मम्मा। कहाँ चले गए सबके सब? अरे आ गए आप, अब बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। ये हारमोनियम यहाँ पे क्या कर रहा है? वो फिर से तुम्हारे लाडले ने गाना बजाना शुरू कर दिया। वो अभिषेक, अभिषेक सुनिए, आप गुस्सा क्यों कर रहे? बस वो रियाज कर रहा था, मैं उठा के रख देती। ए, मैंने कहा तुझसे उठाने, बात करनी है मुझे उससे। अभिषेक कहाँ मर गया? अभिषेक क्या हुआ पापा? कितनी बार कहा है तुझसे इस घर में गाना बजाना नहीं होगा। पापा ने मना किया था ना तुझे गाना बजाने से, तो क्यों किया? पापा ऐसे हो या वैसे, नहीं मतलब नहीं, अपनी बार इस डिब्बे के साथ दिखाना तो इसी डिब्बे के साथ बार उठाकर फेंक दूंगा। कितनी बार कहा तुझे मैंने इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, समझा? देखिए आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे? इतना अच्छा तो गाना गाता है हमारा बेटा। मैं तो खुद आपसे बात करने वाली थी कि आप इसके लिए इंद्र कुमार जी से बात कीजिए ना। आ, फिर से तरफदारी लेने लग गई अपने लाडले। एक बात तुम दोनों माँ बेटे कान खोल कर सुन लो, मैं किसी से कोई बात नहीं करने वाला। इसे पढ़ाई करनी है तो करे, वरना चले मेरे साथ दुकान पर आटा दाल चावल बेचने, समझा? देखिए मेरा बेटा आटा दाल चावल नहीं बेचेगा, मेरा बेटा सिंगर बनेगा, एक बड़ा सिंगर। और अगर आपको इंद्र कुमार जी से बात नहीं करनी है तो तुम मैं कर लूंगी। कोई किसी से नहीं मिलेगा, किसी से कोई बात नहीं करेगा, समझी? बड़ा गाना बजाना। मां,
जाने दो थोड़ा इस बात को, मुझे नहीं बनना है सिंगल। पापा तुम पे हाथ उठाते मुझे बहुत बुरा लगता है माँ, बहुत बुरा लगता है। नहीं बेटा, मैं अपनी खुशियां तो पूरी नहीं कर पाई, लेकिन मैं तुम्हारी खुशियां जरूर पूरा करूंगी, तुम्हारे हर एक सपने को मैं पूरा करूंगी। लाओ मैं लगा देता हूँ। रहने दीजिए, ज्यादा प्यार जताने की जरूरत नहीं। शीला, पापा माफ कर दो ना मुझे। I promise, आगे से ऐसा नहीं होगा। गलती हो गई मुझसे। छोड़ो, रहने दीजिए। शीला, दो ना हाथ। माफ कर दो बाबा। अच्छा तुम्हें हमारी हनीमून की रात याद है? किस तरह से तुमने मेरा हाथ यूं छेड़ा था और फिर मैं उई मां करके। वैसे एक राज की बात बताऊं, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। कहिए। गुरुजी, ये मेरा बेटा है अभिषेक, इसे मैं आपके पास संगीत की शिक्षा दिलवाने आई हूँ। आइए बैठिए ना। देखिए, संगीत सिखाना मेरे लिए सिर्फ एक काम नहीं, एक पूजा है, एक सेवा है। मैं आपके बेटे को भी जरूर सिखा दूंगा, लेकिन क्या आप लोगों को मेरी फीस के बारे में कुछ जानकारी है? नहीं गुरुजी, हमें इसके बारे में कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन आप बता दीजिए। 60,000 रुपए महीना तक लोग मुझे दे देते हैं। 60,000? गुरुजी, 60,000 तो हमारे लिए बहुत ज्यादा होगा, और अभिषेक के पापा भी हमारी पैसों से कोई मदद नहीं करते, तो जो कुछ भी करना है वो मुझे ही करना है। क्या है कि लोग आजकल कला की कदर ही नहीं करते। बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाजार से सामान खरीदते हैं और मोल भाव करते हैं, लेकिन मैं कला का पुजारी हूँ। मेरे हृदय में कला के लिए बहुत मान और सम्मान है, इज्जत है। माफी चाहूंगा, इससे कम मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, आप चाहें तो शहर में और भी टीचर हैं, आप उनके पास भेज दीजिए। नहीं गुरुजी, अभिषेक का सपना है कि वो आपसे ही संगीत सीखे। देखो बेटा अभिषेक, तुम तो जानते हो संगीत सिखाने के लिए अलग से समय निकालना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, मेहनत लगती है, और टाइम की मेरे पास बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए रियली आई एम सॉरी। तो जी कोई बात नहीं,
कुछ है। एक मिनट अभिषेक, आप जरा बाहर वेट करो, मैं आपकी मम्मा से आपके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। जी गुरुजी। क्या नाम बताया आपने अपना? शीला। शीला जी, मैं आपके बच्चे को संगीत सिखा सकता हूँ और अपनी फीस में भी थोड़ा एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए सिर्फ 40% यही पढ़ाई हो रही थी तेरी, कुछ नहीं होने वाला तुझसे, ये पढ़े वाले सब छोड़ दे। देखिए आप शांत हो जाइए, इससे गलती हो गई, इस बार कम नंबर आए, अगली बार ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा नंबर लाएगा। अच्छा, क्या इसके इतने अच्छे नंबर आए हैं जो तू इसकी तरफदारी ले रही है? तूने ही बिगाड़ा इसे। अरे मैं दिन भर मरता हूँ चार रोटी कमाने के लिए और इस भाई साहब को नचनिया गवैया बनना है। एक बात तू कान खोल कर सुन ले, अगर तुझसे पढ़ाई होती है तो ठीक है, वरना तेरे पास और कोई चारा नहीं है मेरे साथ मेरी दुकान पर बैठकर आटा दाल चावल बेचने के अलावा। अरे सुनिए, आप कहाँ जा रहे, खाना तो खाकर। मैं क्या करूँ माँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, पढ़ाई में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, दिन भर मेरे दिमाग में गीत और संगीत की आवाज गूंजती रहती है, मुझे इंद्र कुमार जी जैसा महान सिंगर बनना है माँ, मैं पापा को कैसे समझाऊं? अच्छा ठीक है, तू चुप हो जा, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। शीला जी, मैं आपके बच्चे को संगीत सिखा सकता हूँ और अपनी फीस में भी थोड़ा एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ एडजस्ट तो आपको भी करना पड़ेगा। मतलब गुरुजी, मैं कुछ समझी नहीं। शीला जी, जिंदगी में ऐसा ही सब कुछ नहीं होता, अगर रिश्ता मजबूत हो तो बड़े बड़े काम बिना पैसों के भी हो जाते हैं, उसके लिए दो लोगों को आपस में मिलना होता है, एक दूसरे को समझना होता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना होता है, मन से, तन से। आप मेरी बात तो शायद समझ रहे होंगे, और बात सिर्फ मेरे समझाने की नहीं है, बात है आपके बेटे के भविष्य की। आप तो माँ हैं, एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती, बाकी वैसे आपकी मर्जी। पढ़ाई में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, दिन भर मेरे दिमाग में गीत और संगीत की आवाज गूंजती रहती है, मुझे इंद्र कुमार जी जैसा महान सिंगर बनना है माँ। मेरे अभिषेक का मन पढ़ाई से ज्यादा म्यूजिक में लगता है, अगर वो अच्छे से म्यूजिक सीख लेगा तो उसका जीवन सफल जाएगा। अरे आप गुरुजी, मेरे बेटे का
संगीत में ही मन लगता है और वो संगीत भी आप ही से सीखना चाहता है, तो आप बताइए कि आप कब से उसे संगीत सिखाएंगे? मैं तो कल भी तैयार था और आज भी तैयार हूँ, तो आप पर डिपेंड करता है। देखिए, अब जब बात हो ही गई है, अब आपको पता है कि किसी की भी फीस में एडवांस देना पड़ता है, तो आज पहली किस्त क्यों ना ले लो। इंदर, देखना कौन है ये। कल एक बच्चा आया था अभिषेक, ये उसकी मम्मी है। नमस्ते। ये पहले भी आई थी, कुछ बातें अधूरी रह गई हैं फीस वगैरह के बारे में, वो कर रहे हैं। तुमने इन्हें बताया कि नहीं कि मेरे घर में किसी को भी संगीत सिखाया नहीं जाता? मुझे ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है। हाँ हाँ, तो मैं थोड़ी यहाँ सिखाने वाला हूँ, मैं तो इनके घर पे जाकर सिखाऊंगा। तो फिर ठीक है, मुझे कोई हर्ज नहीं। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप अभिषेक को संगीत यहाँ नहीं सिखाएंगे, तो फिर कहाँ सिखाएंगे? आपके घर पर। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभिषेक कॉलेज से 4 बजे आ जाता है, तो आप 4:30 बजे घर आ जाइएगा। अब तो फिर मैं 3 बजे तक आ जाता हूँ, कुछ बातें भी हो जाएंगी और हम फीस भी थोड़ी एडजस्ट कर लेंगे, कुछ पर्सनल बातें भी कर लें। क्या ख्याल है जी? कल 3 बजे तैयार रहना। क्या बात है भाई। अरे क्या हुआ, आपसे किसी ने कभी कहा नहीं कि आप कितनी खूबसूरत हैं? देखिए, अगर आप ऐसे ही संकोच करती रहेंगी तो फिर आपका बेटा संगीत कैसे सीखेगा? यहाँ नहीं, कमरे में चलती। क्यों नहीं, आप कहियो। देखो शीला, जितना मन लगाकर तुम मेरा साथ दोगी, उतना मन लगाकर मैं तुम्हारे बच्चे को संगीत सिखाऊंगा। एक सेकंड। ये आप क्या कर रहे हैं? मोबाइल उठाइए वहां से, ये गलत है। कुछ गलत नहीं है, ये सिर्फ एक क्रिएटिविटी है। देखो, जब तुम नहीं होगी तो तुम्हारी याद में मेरे पास सिर्फ ये वीडियो रह जाएगा। और क्या है, जब हम ऐसे रोमांटिक वीडियो देखते हैं ना, तभी हम नई नई धुन और कंपोजिशन बना पाते हैं। इट्स एन इंस्पिरेशन, यू नो। देखिए, ये गलत है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अरे बैठो, डरने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, मैं इसको किसी को नहीं दिखाऊंगा, आई प्रॉमिस, समझी? तुम तो कमाल लग रही हो, अब तो लगता है तुम्हारे लिए गाना बनाना पड़ेगा, जस्ट ब्यूटीफुल। समय कौन आया होगा? लगता है अभिषेक आया होगा, प्लीज आप जल्दी पहनिए। तुम कपड़े ठीक करो। बताया माँ, आज कॉलेज में बहुत एग्जॉस्ट हो गया मैं। अच्छा ठीक है बेटा, अंदर आओ। गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। अभिषेक खुश रहो बेटा। माँ गुरुजी यहाँ कैसे? बेटा गुरुजी तुम्हें संगीत सिखाने के लिए मान गए। अरे मानना तो था ही बेटा, आपकी मम्मी ने आपके लिए इतनी रिक्वेस्ट की मुझसे कि मैं क्या बताऊँ, और फिर इन्होंने बताया कि आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, इसलिए मुझे मानना पड़ा, और फिर आपकी फीस भी कॉम्प्रोमाइज करनी थी थोड़ी। बेटा तुम अंदर जाओ, अंदर जाके फ्रेश हो जाओ और हारमोनियम लेकर आओ और गुरुजी से संगीत सीखो। और सुनो बेटा, पापा के आने से पहले तुम्हारी संगीत कक्षा खत्म हो जानी चाहिए, वरना तुम्हें पता है ना कि पापा को ये सब पसंद नहीं है। हाँ माँ मुझे पता है। गुरुजी मैं अभी फ्रेश होकर के आता हूँ। ओके बेटा। सारे गा मा पा ध नी सा सा नी द प म ग रे सा, ये सब शुद्ध सुर है, ठीक है? तो एक पलटा है। सारे गरे गा मा गा मा पा मा पा दा पा दा नी दा नी सा सा नी दा नी दा पा दा पा मा गा मा गरे गरे सा, ठीक है? अब तुम सारे शुद्ध सुर बजाओ, चलो प्रैक्टिस करो। जी। अरे आप बैठिए ना, देखिए आपका बच्चा कैसे रियाज कर रहा है। नहीं नहीं आप लोग करिए, मुझे जरा काम। देखो बेटा आज तो मुझे थोड़ा जल्दी है ना, कहीं काम से जाना है, तो कल से हम थोड़ा ज्यादा देर तक रियाज करेंगे, ठीक है? गुरुजी हम 8 बजे तक अभ्यास करें तो कैसा रहेगा, क्योंकि 8 बजे के बाद पापा कभी भी आ जाते हैं। ठीक है फिर मैं मम्मा से बात कर लूंगा, तुम ऐसे रियाज करो। शाबाश। शाबाश। Yeah.
आपकी वजह से गुरुजी मुझे संगीत सिखाने आ रहे हैं। थैंक यू माँ। बेटा तू खुश है ना? हाँ माँ बहुत। बस तू मन लगा के रियाज कर और बहुत बड़ा सिंगर बन जा। जी माँ। सो भी गया। साध्वी को तो मेरी थोड़ी भी फिक्र नहीं है। क्या कर रही हो मेघना? सुने तो मुझे। क्यों बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो? थक गया हूं मैं। तुम्हारी तरह पार्टी नहीं करता रहता, काम करता हूं। क्या पागलपन है ये? गन नीचे कर दो। गन नीचे करो ना पहले। उठो, उठो और मुझे प्यार करो अभी। ऐसे गन दिखा के कौन प्यार करता है? हाँ क्या ना। हाँ पापा, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, 2 घंटे लग जाएंगे। तू फटाफट दुकान पे पहुंच जा और बाजू वाले शर्मा जी की दुकान से चाबी ले लेना। ठीक है? ठीक है पापा, मैं अभी निकलता हूँ। गुरु जी मुझे 2 घंटों के लिए दुकान पे जाना होगा, पापा ने कहा है, क्या आप प्लीज वेट कर सकते हैं? चलो ठीक है जाओ, लेकिन कोशिश करना जल्दी वापस आओ। जी गुरु। बेटा तुम्हारी मम्मी तो घर पे हैं, 2 घंटे तो क्या, हम 10 घंटे वेट कर लेंगे। आप ये क्या कर रहे हैं? अभिषेक आ जाएगा। कोई नहीं आने वाला, तुम्हारे पति का फोन आया था, तुम्हारा बेटा शॉप पे गया है। ये आप क्या कर रहे हैं? ये गलत है। कुछ भी गलत नहीं, अब किस बात का शर्माना? हमारे तुम्हारे बीच में कुछ ऐसा बचा है हुँ? और तुमको क्या लगता है ये कोई 1 महीने की बात है कि मैं 1 महीने सिखाने वाला हूँ सिर्फ तुम्हारे लड़के? ये सिलसिला तो अब महीनों तक चलेगा। कम आओ चीला। हाँ मेघना। कहाँ हो तुम? मैं अभिषेक के घर पे। तुम्हें बता देना कि मैं उसे संगीत सिखाने आया हूँ। टाइम से घर आ जाना, कल मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक जा रही हूँ। सारी तैयारियां तुम्हें ही करनी, मुझे सुबह जल्दी भी उठना है। अच्छा अच्छा अच्छा,
हाँ तुम चिंता नहीं करो, मैं टाइम से आ जाऊंगा। हाँ डोंट वरी। यस यस। सुनो ना, कल मेरी वाइफ अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पे जा रहे हैं, कल घर आ जाओ, दिल खोल के प्यार करूंगा और किसी से डरने की भी जरूरत नहीं। ऐसे कैसे घर आ जाओ, कल संडे है, अभिषेक घर पे रहेगा। देख इतनी भोली हो, तभी तो कह रहा हूँ कल संडे है, मेरी भी छुट्टी रहेगी, और तुम अभिषेक को कोई भी बहाना बनाकर मेरे पास आ जाओ, कल हमारी भी मेहमान नवाजी देख लो मैडम। लेकिन वो कोई लेकिन वेकिन नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करते कभी। बस वहीं रुको, एक मिनट। आइए आइए, स्वागतम 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 स्वागतम। जब से उनको देखा है पागल से हो गए हैं हम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। स्वागतम, आइए आइए। वेलकम 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 वेलकम। ये हमारी प्यार की निशानी के लिए, ताकि हमें हमेशा याद रहे। शीला सच में बहुत खूबसूरत हो, बस तुमने मेरा दिन बना दिया। मेघना, ये सब कुछ भी नहीं है। देखिए सुनिए, बेशरम औरत, अपने बेटे को म्यूजिक सिखाने के बहाने तू मेरे घर तक घुस आई, इतनी हिम्मत। देखिए आप गलत समझ। मैं नहीं गलत समझ रही, तेरे जैसी औरतें ना खुद का घर तो बर्बाद करती है और दूसरों का भी। निकल जा यहाँ से वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। जैसा तुम देख रही थी वैसा कुछ भी नहीं था, इसने मुझे फंसाया है, मैं इसके बेटे को नहीं सिखाना चाह रहा था। ये सब क्या कर रही है, बात-बात में गन निकाल देती है। मेघना मेरी बात सुन, प्लीज 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 मेघना, मेघना गन नीचे कर। इंदर इंदर रुक जाओ, पहले गन नीचे कर ले। रुक जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, जो मेरे होते हुए तुमने किसी और औरत को छुआ, तुम्हें मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पे। मैं कान पकड़ता हूँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ। पता है क्या इंदर, अच्छा हुआ जो मेरी पिकनिक कैंसिल हो गई और मैं यहाँ आ गई, और तुम्हारा ये सारा कमीनापन मेरे सामने आ गया। मैं तेरे पैर छूता हूँ, प्लीज 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 मुझे माफ कर, प्लीज मुझे माफ कर, मेरी कसम मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, प्लीज। ये ना तुम्हारी आखिरी गलती है, क्योंकि अब सीधा ये गोली चलेगी और तुम्हारा तेजा उड़ जाएगा। पता अभिषेक 4 बजे आने वाला है, लेकिन मैं तुमसे मिलने 1 घंटा पहले आ गया, सिर्फ तुम्हारे लिए। देखिए ये गलत है, देखिए ये गलत है। कुछ गलत नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देखिए छोड़िए, मैं इससे भी कौन आया होगा। मैं देखती हूँ। कौन है आदमी, मेरे घर में क्या कर रहा है वो? सुनिए ना,
वो आप अंदर आइए ना, मैं बता, ये गुरुजी हैं, अभिषेक को संगीत सिखाने आए। नमस्ते। अच्छा 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 अच्छा, मतलब मेरे मना करने के बावजूद भी तो इस गुरु को मेरे घर में ले आई। ए गुरु, चलो जा, शुरू निकल यहाँ से। अबे निकल, चल चल चल। और सुन बे, आज के बाद अगर इस घर के आसपास नजर भी आया ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं, जा यहाँ से। आप जैसा सोच रहे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। निकल। इतने दिनों से आ रहा है आदमी, वो 20-25 दिनों से भी दरवाजा बंद करके चल क्या रहा था? अबे चल क्या रहा था, तुझसे पूछ रहा हूँ, चल क्या रहा था बोल। ना 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 ना, माफी नहीं, ये बहुत बड़ा पाप किया तूने और इसकी सजा तो क्या जरूर मिलेगी। मेरे पीठ पीछे रंग रलिया मनाएगी तू? इधर आ। बोल ना, बोल क्यों नहीं रही? यही होना था तेरे साथ, मर यहां पे। माँ, 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 आगे खोलो माँ। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी जान चली जाएगी, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इंदर, एक्सक्यूज मी। यस सर। ये गन इसकी है? सर ये गन मेरी। ये गन आपकी है और आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं कि आपके पति को किसने मारा? मर्डर आपके घर में हुआ है, इसका मतलब आपके पति का खून आपने किया है। नहीं सर, आप ये क्या बोल रहे हो सर? माना कि हमारे बीच में नोकझोंक होती थी, हमारे बीच में झगड़े होते थे, लेकिन सर कौन से पति पत्नी के बीच झगड़े नहीं होते। मैं इंदर का मर्डर नहीं कर सकती हूँ, मैंने इंदर को नहीं मारा है सर। ठीक है, जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता आप शहर से बाहर नहीं जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, आप सब ठीक तो है? आपका बेटा अभिषेक का है, लाइए। अभिषेक, क्या बात है? इंदर कुमार का मर्डर हो गया है। क्या, क्यों मारा उनको? ये क्या कह रहे सर आप? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, आपको कोई गलतफहमी हुई, हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसकी मां मर गई, पर आप इसी पर इल्जाम लगा रहे हैं। हम ऐसे इल्जाम नहीं लगा रहे, सबूत है हमारे पास, उनके घर की CCTV फुटेज है हमारे पास, जिसमें तुम साफ साफ दिख रहे हो, 7:30 से 9:15 के बीच, और तुम्हारी फोन लोकेशन उस समय वहीं की दिखा रही है। बोलो क्यों मारा उनको? इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे पक्का यकीन नहीं है, गुनी नहीं है, इंस्पेक्टर साहब मेरी बात मानिए प्लीज, यकीन कीजिए। मैंने मारा है उसे। क्या कह रहा है तू?
क्योंकि उसने मेरी माँ को मारा था। कैसे लगी? हाँ? उठो आराम से। क्या हुआ तुम्हें? मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। एम्बुलेंस गई फाड़ में। मुझे पहले वो वीडियोस डिलीट करने दो। बकवास करिए। फोन दे मेरा। छोड़ो। फोन दे मेरा। नहीं दूंगी। गुरुजी का फोन? अभी? हेलो। मुझे मार भी डालोगे ना तो भी मैं ये फोन नहीं छोड़ूंगी। देखो शीला, अगर फोन नहीं देगी तो मुझे सच में जान से मार दूंगा। छोड़ मेरा फोन, फोन दे मेरा। माँ देख, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो ये सारे वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। तुझे मेरे साथ प्यार करना पड़ेगा। शीला हिम्मत, मुझ पे हाथ उठाया। मुझ पे माँ, मैं भाग के घर आया तो देखा माँ मर गई थी। मैंने सोचा था कि शीला की मौत मेरे हाथों हुई थी, लेकिन वो इंदर कुमार उसका हत्यारा निकला। फिर कल रात मैं इंदर कुमार के घर गया। अपना फोन दो मुझे। अभिषेक, तुम कैसे हो? तुम बकवास बंद करो। जिस वीडियो के लिए तुमने मेरी माँ को मारा वो फोन दो मुझे। क्या मतलब तुम्हें पता चल गया? हमारे फोन की वजह से। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी वजह से मरी है तुम्हारी माँ। तुम्हारी फीस भरने के लिए उसने खुद का सौदा मेरे साथ किया था, कुर्बानी दी है उसे। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये वीडियोस मैं वायरल नहीं करूंगा। बकवास बंद करो, मुझे ये फोन चाहिए और मैं लेकर के ही रहूंगा। मेरा फोन दे मेरा, मैं कहता हूं। मैं कह रहा हूं छोड़ मेरा फोन। लेकर के ही रहूंगा। ज्यादा होशियार बनता है। फोन दे मेरा। मैंने कहा फोन दे मेरा। जहां तेरी माँ को पहुंचाया ना, 2 मिनट लगेंगे तुझे वहां पहुंचाने में, समझा? जिन कदमों से यहां आया है उल्टे कदम वापस चला जा। मैंने उसे मार दिया, नहीं तो वो मुझे मार देता। पुलिस की मदद ना लेकर तुमने कानून हाथ में ले लिया। ले चलो इसे। बेटा मेरी बात सुन, मैं कुछ करता हूँ। बेटा बेटा मैं कुछ करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब छोड़ दीजिए उसे, उसने बदले में नहीं किया कुछ भी। अपने आप को बचाने के लिए उसने उस हत्यारे का खून किया। शीला।